इसमें जो गदाईपुर है उसी यहाँ पर जो भी श्रद्धालु अपने मनोकामना पूर्ण होती है, मनोकामना पूर्ण होने के बाद आए हुए हैं तो बांसुरी अपना बजा रहे हैं, बहुत ही अच्छे से ये बजा रहे हैं बांसुरी अपना। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको नया ब्लॉग्स में। आज मेरा नया ब्लॉग्स रहने वाला है, आज मैं आपको दिखाऊंगा माँ कामाख्या स्थान जो गांवा में पड़ता है गाजीपुर में, वहाँ पे मैं आपको लेकर आया हूँ। तो वहाँ पे आपको मैं दिखाऊंगा, आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। मैं यहाँ का पूरा आपको यहाँ का दुकान दिखाऊंगा, ये अभी मैं धर्मशाला में हूँ, वहाँ से आपको दिखा रहा हूँ। धर्मशाला से जस्ट सामने ये मेन गेट है माँ कामाख्या का, यहाँ पे आपको हम लाइव दर्शन कराऊंगा आज, और पूरा प्रांगण आपको दिखाऊंगा कि कैसा यहाँ का प्रांगण है। तो अपने वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। चलिए चलते हैं, आपको हम सीधे अंदर चलकर दिखाएंगे। देखिए अंदर ये जाने वाला मेन गेट है, यहीं से अंदर जाया जाता है, और यहाँ पर गुफा की तरह से ये बनाया गया है, यहाँ पर गुफा जैसा, गुफा के आकार में। तो ये माँ कामाख्या का मेन मंदिर है, वहीं पर हम जाएंगे तो आपको भी लाइव दिखाने का कोशिश करेंगे। देखिए मंदिर का साफ सफाई हो रहा है, ये सफाई कर रहे हैं मंदिर का अभी। लगभग कितने बजे से खुलेगा? 4 बजे के लगभग ये मंदिर खुलेगा, तो आपको हम दिखाएंगे। ये देखिए यहाँ पे लगाया गया है मंदिर में दोस्तों, शो के लिए ये फुहेरा लगाया गया है कि यहाँ से जब फुहेरा चलता होगा तो बहुत अच्छा लगता होगा, लेकिन फुहेरा बंद हो गया है वैसे ही, अब बस शो रह गया है कि पहले होता था यहाँ पे फुहेरा यहाँ पर था, लेकिन अब फुहेरा यहाँ पर नहीं चलता है, यहाँ पर ख़राब हो गया है। देखिए यहाँ पर छोटे छोटे मंदिर बनाया गया है साइड में आपको देखने के लिए, यहाँ पे मशीन में फिट है कि जब मशीन जो यहाँ पे मेला लगता है तो ये चलता है, मशीन जो फिट है मशीन पे, जितना यहाँ पर मूर्ति है अभी तो तोप कर रख दिया गया है कि ख़राब ना हो, मशीनरी सामान है इसे तो ख़राब ना हो। आपको दिखा रहे हैं देखिए भगवान जी का मूर्ति में बैठाया गया है। वीडियो को देखिएगा और चलिए चलते हैं। अभी तो हम लोग यहाँ से लगभग 1-1.5 घंटा घूमेंगे, फिर 1-1.5 घंटा टाइम है मंदिर का मेन गेट खोलने में, इसलिए कि दोस्तों कि मंदिर का साफ सफाई अभी किया जा रहा है, कि मंदिर के बाहर जितना ये बनाया गया है अच्छा सा सुंदरीकरण किया गया है मंदिर का, इतना अच्छा लग रहा है। यहाँ पे ये गिट्टी का रूप, गिट्टी से ये सब बनाया गया है, कारीगर गिट्टी से किया गया, देखिए आपको दिखाई दे रहा है अलग अलग पत्थरों का गिट्टी है ये अलग अलग, इतना अच्छा से यहाँ पर कुछ आकार में बनाया गया है, आप देख ही रहे होंगे, बहुत ही अच्छा यहाँ पे दोस्तों, बहुत ही अच्छा दिखाई दे रहा है। और देखिए यहाँ से लेकर और वहाँ तक इतने ही अच्छे से दोस्तों ये गिट्टी यहाँ पर लगाया गया है, और ये देखिए यहाँ का, ये देखिए ये भी जो दिखाई दे रहा है आपको, ये दिखने में लग रहा है कि ये लकड़ी है, लेकिन लकड़ी नहीं है, ये भी पत्थर है, देखिए पत्थर की तरह आवाज़ कर रहा है, लकड़ी के आकार में दोस्तों पत्थर से यहाँ पर। देखिए यहाँ पर ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है कि जो आता है और यहाँ पर फोटो लेना होता है तो यहाँ फोटो ना ले, अगर कोई भी आएगा तो यहाँ पर जरूर फोटो एक बार लेना चाहेगा। बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ का, माता रानी के मंदिर के मेन आगे गुफा के आकार में यहाँ बनाया गया है, यहाँ पर बहुत सारे फोटो खींचने वाले लोग यहाँ पर हैं। कितने अच्छे से मेला यहाँ पे लगाए हुए हैं, तो बांसुरी अपना बजा रहे हैं। तनाव के बाद सभी लोग बजा बजा कर जा रही हैं, तनाव वाले सभी भीड़ है यहाँ पे, तनाव के लिए आए हुए थे। माता रानी की कैसी यहाँ प्रतिमा है, कितना अच्छा, बहुत अच्छा दोस्तों लगा यहाँ पे लगता है। मैं तो यहाँ पे काफी बार आ गया हूँ, आपको भी आज दिखाने का मैं कोशिश करूंगा आपको भी, कि आप लोग भी देख ले। और देखिए साइड में यहाँ पे मूर्तियाँ भी बैठाया गया है, यहाँ पर देखिए राम जी, लक्ष्मण जी और सीता जी, और वहाँ पे हनुमान जी का मूर्ति है, और इनके जस्ट सामने यहाँ पे हनुमान जी का मूर्ति है दोस्तों। राम जी, सीता जी और लक्ष्मण जी के सामने ये यहाँ पे हनुमान जी का मूर्ति बैठा, बहुत ही अच्छा से यहाँ पे दोस्तों तालाब है, तालाब के साइड से बहुत ही अच्छे से यहाँ पर बनाया गया है बैठने के लिए, पानी बढ़ता है तो पानी पूरा ऊपर तक आ जाता है तालाब का। मंदिर का गेट अभी खुला है तो सभी लोग जा रहे हैं अंदर की तरफ मंदिर का, माता रानी का दर्शन करने के लिए। मैं भी आपको भी दिखाने का प्रयास करूंगा, देखिए क्या होता है अंदर माता का, आपको मैं दर्शन करा रहा हूं, आपको दर्शन मैं करा भी दिया लगभग। और ये भैया हैं, ये मिले यहाँ पर, हम आए यहाँ पर तो ये बताएँगे यहाँ के बारे में, इस मंदिर के खास बात बताएँगे, क्या रहस्य है। भैया पर अपना नाम बता दीजिए।
हमारा नाम तो दिनेश माली है। आप कहाँ के रहने वाले हैं? ग्राम गहमर। अच्छा ठीक है, तो इस मंदिर के बारे में बताइए कि मंदिर कहाँ पड़ता है? ये मंदिर गहमर और करहिया के बीच में जो गदाईपुर है उसी गांव के बगल में पड़ता है, जो कि खास तौर से ये गहमर के मौजा में आता है जिसको सकराडी बोला जाता है। तो इस मंदिर का कुछ खास बात बता दीजिए मंदिर के। मंदिर ये तो बहुत पुराना है, हम लोगों के जन्म से पहले का है। तो ये मंदिर का खास बात यह है कि यहाँ पर जो भी श्रद्धालु अपने श्रद्धा भक्ति लेकर आते हैं तो उनकी मनोकामना पूर्ण होती है। मनोकामना पूर्ण होने के बाद जो इच्छा होता है माँ को दर्शन करने के उपरांत आते हैं तो चढ़ावा चढ़ाते हैं। अच्छा, तो जितना पंडित जी लोग हैं, ये पंडित जी लोग यहीं के रहने वाले हैं या कहीं दूर से आए हुए हैं? यहाँ मंदिर का माता का दर्शन पूजा का जो करते हैं, माता का जो पूजा करते हैं, चाहे यहाँ के भी जो रहने वाले हैं, सभी लोग आसपास के अगल बगल के गांव के ही रहने वाले हैं, जिसमें 50% गहमर गांव के लोग हैं जो देखभाल यहाँ के करते हैं। तो आप खास यहीं के रहने वाले हैं कहीं दूर के रहने? हम गहमर के रहने वाले हैं। मंदिर पर रहते हैं, यहाँ पर दर्शन करने आए हैं कि मंदिर पर रहते हैं? यहाँ हमारा दुकान है फूल माला का, तो हम प्रतिदिन माला फूल पहुँचाते हैं जिससे माई की आरती होता है सुबह में। ठीक है, मान लीजिए कि यहाँ पर लगभग कितना भीड़ यहाँ पर लगता है? यहाँ भीड़ का तो कोई औकात नहीं है, मान लीजिए कि भीड़ कम भी होता है ज़्यादा भी होता है, तो इसके लिए अगर भीड़ देखना है आपको तो चैत्र नवरात्र में ज़्यादा भीड़। अच्छा, कोई खास दिन भी है क्या है? ऐसे भी कि ज़्यादा कुछ दिन ज़्यादा भीड़ लगता होगा, ज़्यादा मेला जैसा लग रहा होगा यहाँ पे? और भी यहाँ मेला जैसा लोग आए हुए हैं या भारी मात्रा में यहाँ पे आते होंगे? यहाँ मेला या ज़्यादा भीड़ देखना है तो आपको चैत्र नवरात्र और सावन का मेला और ये शारदीय नवरात्र जो पड़ता है इसमें खास तौर से भीड़ होता है। अच्छा, आप ये बताइए जो हमारे दर्शक देखने वाले हैं, हमारे जितने भी फैमिली है, उन लोगों को आप बताइए कि यहाँ पे क्या खास बात जानकर यहाँ पे दर्शन करने आए और कैसे कैसे यहाँ पे आना है अगर गहमर स्टेशन से आए तो? आपको गहमर जब मान लीजिए कहीं भी किसी भी राज्य में लोग रहते हैं जो भी व्यक्ति हैं तो वो पहले खास तौर से गहमर स्टेशन आएंगे। गहमर स्टेशन उतर के आपको टेम्पू के माध्यम से, टेम्पू लगी रहती है या मेन रोड पर आइएगा तो बस लगी रहती है, वहाँ से 4 किलोमीटर माँ कामाख्या धाम मंदिर है पश्चिम साइड में। अगर आपको दिलार नगर से उतरना है तो दिलार नगर से 20 किलोमीटर है, जो कि गहमर भी कुछ ट्रेनें रुकती है, दिलार नगर भी रुकती है। ऐसे लोग करहिया हाल्ट पर भी उतरते हैं, करहिया हाल्ट पर भी उतर के दर्शन करने के लिए आते हैं। अगर मान लीजिए कि दिलदार नगर बोले तो दिलदार नगर आप ट्रेन से उतरेंगे तो ऑटो यहाँ पर ला सकता है? हाँ, दिलदार नगर आप उतरिएगा तो वहाँ से आने में कठिनाई है, क्योंकि दिलदार नगर से भदौरा आइएगा, भदौरा के बाद कोई सवारी मिलता है। लेकिन इसके लिए आपको खास तौर से गहमर स्टेशन जो है, गहमर स्टेशन उतरिए, वहाँ से कोई भी टेम्पू के माध्यम से यहाँ पर चले आइए। ठीक है, तो बहुत अच्छी जानकारी दी है, ये आप घूम कर भी दिखा दीजिए कितना अच्छा है। अभी उतना भीड़ नहीं है लेकिन तब भी यहाँ पर भीड़ है, आपको दिखाए हैं हम, बहुत ही अच्छा यहाँ का मंदिर का प्रांगण लगा। बाकी हम धीरे धीरे आप लोग देखते रहिएगा, वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, बहुत कुछ देखने को आपको मिलेगा हमारे इस वीडियो में। अगर आप लोग यहाँ पे आए होंगे तो अच्छी बात है, आपकी यादें जो है वो ताज़ी हो जाएगी। अगर आप लोग यहाँ पर नहीं आएंगे होंगे तो यहाँ पर आपको कुछ ना कुछ ज़रूर देखने को मिलेगा खास बात इस मंदिर का। यहाँ पर आते हैं जिनका मन्नत रहता है वो मन्नत पूरी हो जाती है तो यहाँ पर बाजा बजवाते हैं, वही लोग यहाँ पर हैं। अच्छा, ऐसा खास दिन है कि यहाँ पर भारी मात्रा में भीड़ लगा हो रहा था। देखिए हल्का हल्का आपको माता जी का दर्शन हो रहा होगा, पंडित जी माला पहना रहे हैं। यही माँ कामाख्या का मंदिर है। अगर इससे पहले ही मैं जो असम में माँ कामाख्या का मंदिर पड़ता है गुवाहाटी में, वहाँ का मैं वीडियो आपको बना चुका हूँ। अगर आप लोग उस वीडियो को नहीं देखे होंगे तो इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में आप लोग देख लीजिएगा। अच्छे से यहाँ पंखा एसी सब चल रहा है कि ज़्यादा यहाँ पे भारी मात्रा में भीड़ है, भारी मात्रा में यहाँ पे श्रद्धालु लोग आए हुए हैं। अभी देख ही रहे होंगे कि कितना यहाँ पे भीड़ है और देखिए वही माता रानी का मेन मंदिर है, बहुत ही अच्छा यहाँ पे दोस्तों ये मूर्ति है जो है वो बहुत ही अच्छा लग रहा है। अब देख ही रहे होंगे आपको लगा, आप लोग कमेंट में बताइए कैसा अच्छा, कितना अच्छा आप लोगों को लगा यहाँ का मंदिर। पक्के आकार में यहाँ पर भी बनाया गया है।
कैसा लगा वीडियो आप लोग कमेंट में बताइएगा। ऐसे वीडियो फिर हम लेकर आएंगे, तब तक जय हिंद।